दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 30 अगस्त सन 2024 शुक्रवार। दोस्तों कपास यानी कॉटन सीड ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल केक, कपासिया तेल, बिनोला तेल और कपास से खली का अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों तेजी आने से पहले और मंदी आने से पहले अग्रिम विश्लेषण संकेत देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों आपको याद होगा पिछले सप्ताह हमने अपने सभी क्लाइंट्स को और अपडेट देने का प्रयास किया था और आप लोगों को भी संकेत दिए थे कि कॉटन के अंदर तेजी बन सकती है। करंट सप्ताह के अंदर शुरुआत में शानदार तेजी, उसके बाद गिरावट और उसके बाद फिर स्ट्रांग बाउंस बैक देखने को मिला। इसका प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ साथ भारत में सौराष्ट्र में यानी गुजरात में भारी बरसात से फसलों को प्रभावित होने के समाचार हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः देश का पहला चैनल है जो भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आपको विश्लेषण अपडेट और खबर देता है। और यही वजह है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति जो सदियों से टेस्टेड फार्मूले हैं, टेस्टेड पद्धति है किसी भी कमोडिटी का अग्रिम विश्लेषण अपडेट देने वाली। याद कीजिए साउथ वेस्ट मानसून को जून महीने में हमने कहा था कि जुलाई महीना अनियंत्रित रह सकता है लेकिन अगस्त महीने में तेज बरसात होने की संभावना है। नतीजा आपके सामने है और सितंबर की बरसात फसलों को कितना प्रभावित करेगी ये देखने वाली बात अब आगे आएगी। खबर निकल के आ रही है कि सौराष्ट्र में यानी गुजरात में भारी बरसात से कपास के फसलों को प्रभावित हो सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण अराइवल भी प्रभावित हो गई है और खरीफ की बुआई में गिरावट के कारण हाल में कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद गुजरात में कपास का बाजार स्थिर रहने के समाचार मिल रहे हैं। पिछले 15 दिनों में कपास की कीमतों में 1500 रुपये प्रति कैंडी की बढ़त भी देखी गई है। गुजरात के सौराष्ट्र में चल रही भारी बरसात के कारण कपास के मौसम में अनुमानित 15 से 30 दिनों की देरी हो गई है जिससे बाजार की मौजूदा स्थिति विकट हो गई है। कुछ व्यापारियों को यह कहना है कि कपास की कमी, कम बुआई के कारण साल 2023-24 के सीजन के लिए लगभग 20 लाख बेल्स का अंतिम स्टॉक हो सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक बेल का वजन 170 किलोग्राम माना जाता है जो कि सितंबर के अंत में समाप्त होने की उम्मीद है। बुआई में इस समय कमी साल 2024-25 सीजन के लिए कपास के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि लगभग 9.5% कपास का भारतीय लेवल के ऊपर उत्पादन कम हुआ है, माफ कीजिएगा उत्पादन नहीं बिजाई कम हुई है और इसमें सबसे प्रमुख स्थान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जाता है जबकि दक्षिण भारत के अंदर कपास की बिजाई अधिक है। यदि कृषि मंत्रालय के आंकड़े मान लें तो इस साल खरीफ की बुआई लगभग 9% की गिरावट देखी गई है और पिछले साल की समान अवधि में 111 लाख हेक्टेयर की तुलना में बिजाई हुई है जबकि पिछले साल 122.15 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी। यह कमी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ कुछ इलाके गुजरात और महाराष्ट्र में को शामिल किया गया है। गुजरात में अब तक केवल 26.78 लाख हेक्टेयर में बिजाई है जबकि पिछले साल 23.58 लाख हेक्टेयर में हुई थी। ये 12% की कमी है। बुआई की इस देरी का प्रभाव बाजार में कपास की आवक में देरी होने की आशंका है जिसके कारण नई सप्लाई आने पर बाजार मजबूत होता है। गौरतलब है कि गुजरात में 29 मिलीमीटर कपास की कीमत 58,000 से 58,500 रुपये प्रति कैंडी और 28.5 मिलीमीटर कपास की कीमत 56,500 से 57,000 रुपये प्रति कैंडी और 797 कपास की कीमत 40,500 थी। गौरतलब है कि ये खबर थी आपके सौराष्ट्र से, गुजरात से। अब जानिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एक भाव। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यानी आईसी कॉटन फ्यूचर में गुरुवार को शानदार तेजी बनी। पिछले सत्र के दौरान एक सप्ताह से अधिक निचले स्तर पर पहुंचने के बाद ये बाउंस बैक हुआ यानी पहले सप्ताह के शुरुआत के अंदर शानदार तेजी, उसके बाद तेज गिरावट और उसके बाद तुरंत बाउंस बैक, ये स्थिति देखी जा रही है जो आज सप्ताह का अंतिम दिन है। इसका मजबूत अमेरिकी डॉलर और अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण बुधवार को आईसीआईसी कपास वादा लगभग 2% गिरा था। व्यापारी निर्यात बिक्री डेटा जारी होने की उम्मीद कर रहे थे और पिछले सप्ताह की मजबूत 5.8% की
तो पिछले सप्ताह के अंदर 5.8% की शानदार तेजी के बाद दिसंबर कपास अनुबंध गुरुवार को 1.37 सेंट चढ़कर 69.92 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ है। दोस्तों मार्च और मई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी शानदार तेजी दर्ज है, वो 71.52 सेंट और 72.70 सेंट पर बंद हुए। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स भी 310 अंक बढ़कर 101.30 पर पहुंच गया है, जिससे कुछ दबाव बना। कच्चे तेल की वायदा बाजार में $1.35 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई, जिससे सिंथेटिक कॉटन बाजार के माध्यम से समर्थन मिला। मौसम का पूर्वानुमान जो दिया गया था उसके मुताबिक दक्षिण टेक्सास की फसल की कटाई में देरी हो सकती है और संभावित कपास का नुकसान हो सकता है। एक्यू वेदर ने दक्षिण हॉस्टन टेक्सास के कुछ इलाकों में संभावित बाढ़ की चेतावनी दी है, साथ ही सप्ताह के अंत में तूफान की आशंका भी जताई है। इसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के दाम बढ़ गए हैं। एक्सपोर्ट बिक्री के अमेरिकी डाटा से यह भी पता चलता है कि 22 अगस्त को समाप्त सप्ताह के लिए 135.187 यानी 135,187 रनिंग बेल अपलेड कपास की बिक्री हुई, जो मार्केटिंग ईयर का उच्चतम स्तर है। पाकिस्तान को 74,500 रनिंग बेल जो सबसे बड़ा खरीदार माना गया है। इसके बाद 17,800 रनिंग बेल भारत था और नई फसल की बिक्री 704 रनिंग बेल तक सीमित है। ये सभी जापान को कंट्रीब्यूट हुआ है। तो दोस्तों चीन और वियतनाम अभी शीर्ष स्थान पर मौजूद है। कुल मिलाकर कपास के बाजारों में तेजी का माहौल रहा। अगला सप्ताह कपास के अंदर क्या हो सकता है, आगे क्या संभावना बनती है, हमारे चैनल पर बने रहिए। और यदि कपास के आप विशेष रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।